गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट विल रियली रियली मोटिवेट मी फॉर मेकिंग सच ग्रेट कंटेंट और आपको हेल्प तो करेगा ही। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मानसी कौशिक एंड दिस इज स्किल स्टडी। मानसी, आज का यहाँ पर आपका बायो का पहला टॉपिक होने वाला है, दैट इज क्लासिफिकेशन। अब देखो, क्लासिफिकेशन आपको पूरा कंप्लीट मैं कुछ पार्ट्स में कराने वाली हूँ, लेकिन ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके के क्लासिफिकेशन दिए गए, किस किस ने दिए और क्या वो क्लासिफिकेशन थे, उनके बेसिस क्या थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम क्लासिफिकेशन कर किसका रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हम एनिमल्स का कर रहे हैं और प्लांट्स का कर रहे हैं। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इससे पहले आपको एक टर्म मैं यहाँ पर बता देती हूँ, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, द वन इज़ बायो और द अदर इज़ डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। मतलब आप अपनी लाइफ में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएशन देखते हो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे आप अपने आसपास देखते हो लैंड एनिमल्स, ठीक है, जैसे आप काओ देखते हो, आप टाइगर देखते हो, ये सारे क्या है, लैंड एनिमल्स हैं। स्क्विरल्स हैं, ये ट्रीज पर रहती हैं, ये सारे क्या है, एनिमल्स। अब बात करें, कुछ होते हैं वाटर एनिमल्स जो वाटर के अंदर, ये मैं आपको वेरिएशन बता रही हूँ कि एनिमल्स में कितने तरीके की वेरिएशन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव। ठीक है, अब कुछ होते हैं आपके वाटर एनिमल्स जो कि वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी फिशेज हो गई, टर्टल्स हो गई, ठीक है, आपकी ऑक्टोपस हो गई, ये सारे क्या हैं, आपके वाटर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स भी क्या है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ठीक है, तो प्लांट्स की भी बात कर लेते हैं। आपके आसपास आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे, जैसे बहुत सारे घरों में तुलसी रखी जाती है, प्लांट है, ठीक है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है एक्चुअली। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंडर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका सर्वाइवल होता है। ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, ये सब क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर के अंडर सर्वाइव, अंदर मतलब, ठीक है, उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी। इससे पहले, अब तो एक्सटिंक्शन हो गया है डायनासोर्स का, लेकिन आपको पता है अर्थ पर ह्यूमन से पहले डायनासोर्स भी रहा करते थे, ठीक है। अब उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है लेकिन डायनासोर्स भी पहले रहा करते थे, तो वो भी एक डाइवर्स एनिमल है। और बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स नहीं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, आपको उनके लिए स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी दिखाता है हमारे आसपास जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनमें कितनी वेरिएशन है, कुछ देखो कितने छोटे हैं, कुछ देखो बहुत बड़े हैं। तो ये क्या है, वेरिएशन दिखा रहा है हमें कि हमारे आसपास जितने एनिमल्स हैं उनमें कितनी वेरिएशन हो सकती है। ऑल्सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर रहे हैं बाय जी एस माई मानसी। ऑल्सो, अगर आप इस वक्त इस वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं देख सकते हैं तो आप क्या करो, इसको वॉच लेटर में डाल दिया करो, ताकि आपको जब वक्त मिले, जब टाइम मिले, तो आप उसको वापस वहाँ से जाकर कंटिन्यू कर सको, ठीक है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू। अब आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अच्छा देखो, अब मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। आपकी मम्मी ने आपको डांट लगाई कि भाई ये सारी बुक्स जो पड़ी हुई हैं आपको ये अलमारी में लगानी है, ठीक है, डांट पड़ गई, अब अलमारी में लगाना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, किसी बेसिस पर उनको लगाओगे ताकि जब आप उनको आपको उनकी ज़रूरत हो तब आप उन्हें अच्छे से ढूंढ पाओ और आसानी से ढूंढ लो कि हाँ मुझे अभी इसकी ज़रूरत है तो मैं अभी ये वाली बुक निकाल लेता हूँ। तो क्या हुआ, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अलमारी में बुक्स लगाई कि मैथ्स वाली इधर हैं, जीएस की इधर हो गई, रीजनिंग की इधर हो गई और इंग्लिश की इधर हो गई, ठीक है। अब इंग्लिश में भी कौन से, मान लीजिए आपने मैथ में आपने आरएस अग्रवाल की बुक ले रखी है, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं आपने, वो सब ले रखी है, वो नेम के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग डिवाइड कर दी उसमें भी। तो एक कैटेगरी में आपने सब कैटेगरी के थ्रू एक क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन किया क्यों आपने, क्योंकि फ्यूचर में जब आपको उन बुक्स की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करो, आप उनसे ढूंढ सको कि हाँ
ये मेरी मैथ्स की बुक है तो मेरी मैथ्स वाली बुक इसी में होगी, आपको और सारी बुक्स में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि जब हमें स्टडी करने की ज़रूरत हो तो हम सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर पाए अच्छे से, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड दो टर्म्स जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, एक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। एक जो सिस्टम होता है ना जो ऑर्गेनिजम्स को नेम देता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस को क्या कहा जाता है, होमो स्पीशीज, दैट इज देयर साइंटिफिक नेम। तो इंडिया में या कहीं और भी आप जाओगे, कुछ रीजनल नेम्स हर एक के अलग अलग होते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम ऐसा इकलौता नेम होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही होता है। तो आप कहीं और भी जाओगे तो इंसान को होमो सेपियन ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को नेम करने का, ये क्या है आपका, नोमेनक्लेचर। अब आ जाते हैं सेकंड वर्ड जो है, वो है आपका टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है, आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना क्लासिफिकेशन का करने में, उनको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इवोल्यूशन के बारे में भी बता देती हूँ। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन जो फॉर्म आई है वो ऐसे तो नहीं कि ह्यूमन एकदम से ही डेवलप हो गया। इवोल्यूशन मतलब कि हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुए, उसके बाद हमने कुछ चेंजेस देखे, उसको ही इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब टाइम के साथ साथ बॉडी में चेंजेस आते हैं और एक नया ही ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो जाता है। जैसे पहले अलग स्पीशीज भी हुआ करती थी ह्यूमन की, जैसे होमो इरेक्टस हो गया या होमो नियंडरथल्स हो गए, ये सारे क्या है, डिफरेंट स्पीशीज हैं ह्यूमंस के। तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन का सबसे पहली सबसे अच्छी बुक जिसने लिखी थी वो थी चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले 1859 में एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि कैसे एक स्पीशीज से इवोल्यूशन के थ्रू एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अब आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो क्लासिफिकेशन दिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि किसने दिया, हेकल ने दी। ठीक है, हेकल ने तीन किंगडम कौन कौन से दिए, एनिमल, प्लांट्स और प्रोटिस्टा। अब आ जाते हैं हमारे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम कौन कौन से थे हमारे, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा। ठीक है, एक नया किंगडम ऐड हो गया मोनेरा। किसने दिया, कोपलैंड ने। ठीक, अब देखो सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन का फॉर्म है दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था। कौन कौन से वो फाइव किंगडम हैं, सबसे पहला आपका हो जाता है मोनेरा, सेकंड आपका हो जाता है प्रोटिस्टा, तीसरा आपका हो जाता है फंजाई, चौथा आपका प्लांटे और फिफ्थ आपका एनिमेलिया। ये पांच किंगडम का उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया जो कि सबसे एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है और यही आप पढ़ते भी हो। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया है, इसके कुछ बेसिस भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी मन किया क्लासिफाई कर दिया कुछ भी, ऐसे नहीं है। ठीक है, कुछ इसके बेसिस भी हैं। एक बेसिस है कि इसका कैसा सेल टाइप है, जो कि आपको आगे इम्पॉर्टेंट भी है। सेल टाइप का मतलब होता है, देखो सेल हमेशा दो तरीके की मानी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है। एक होती है हमारी यूकैरियोटिक और एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक। अब देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, यू का मतलब होता है न्यू और प्रो का मतलब होता है पुरानी। अब जितनी भी नई चीज़ें आप देखते हो, आपका फ़ोन जब अपडेट होता है तो आप देखते हो उसमें नई चीज़ें अपडेट में ऐड हुई होती हैं, कोई भी चीज़ माइनस तो नहीं हुई होती है ना। तो ऐसे ही जितनी भी नई चीज़ें होती हैं उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, सारे सेल ऑर्गेनलीज उनके पास प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके पास वो सारे सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, या फिर अगर प्रेजेंट भी हैं तो वो इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, दैट वॉज अ सेल टाइप। दूसरा इसका बेसिस था इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से इसका मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी है या फिर एक ही सेल से पूरी बॉडी फॉर्म हो गई। ठीक है, इसी बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने तरीके के होते हैं आपके, मल्टी सेलुलर और यूनिसेल्युलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, जो एक सेल वन सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे आपका हाइड्रा होगा
हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे क्या हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है या फिर किसी और के खाने को ले रहा है. जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि आप सनलाइट में खड़े हो जाते हो, फोटोसिंथेसिस करते हो और आपकी बॉडी खुद खाना बना लेती है, ऐसा नहीं होता. आप प्लांट ने जो फूड बनाया है आप उसको कंज्यूम करते हो, तो आप क्या हो, हेटरोट्रॉफिक हो. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, दूसरे का खाना हम लेते हैं, ठीक है, दूसरों से हम अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड ऑटोट्रॉफिक, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करे क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या है, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी नेम डिराइव करने के लिए दिए जाते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं. लीनियस ने ही बाइनोमियल नॉमनक्लेचर भी दिया था. देखो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नामकरण एक तरीके से आप कह सकते हो. बाइनोमियल, बाय का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है. तो बाइनोमियल का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो रखा जाएगा ना वो दो शब्दों में रखा जाएगा. जैसे होमो सेपियंस, तो पहला क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेनरिक नेम, ठीक है. दूसरा वर्ड किसको डिस्क्राइब करता है, स्पीशीज को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट. कैरोलस लीनियस की दो ऐसी बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, पहली है सिस्टिमा नेचुरे और दूसरी हमारी स्पीशीज प्लांटेरम. ये दोनों ही उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है. इसके अलावा कुछ ऐसे साइंटिफिक नेम्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगी. ये सारे नाम्स आपको पता होने चाहिए. अब देखो ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, इसको हम हेराइकल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. अब देखो हेराइकी का मतलब क्या होता है, हेराइकी का मतलब होता है कि आपने एक कैटेगरी बनाई, एक बहुत बड़ी एक कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी बनाई, उस सब कैटेगरी के अंदर एक और सब कैटेगरी बनाई, ऐसे ही बहुत सारे स्टेजेस कह सकते हो होते हैं उसमें, ठीक है. तो ऐसे ही फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें सबसे ऊपर आपका आता है किंगडम, ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, किंगडम. और मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा एनिमल्स अगर किसी में प्रेजेंट होंगे, स्पीशीज में होंगे या किंगडम में होंगे, तो ऑब्वियसली अगर किंगडम लार्जर यूनिट है तो उसी में लार्जर आपके ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे. अब इसका जो सीक्वेंस है वो आप देख सकते हो, पहले नंबर पे आता है किंगडम, दूसरे नंबर पे आता है आपका फाइलम, तीसरे नंबर पे आता है आपका क्लास, चौथे नंबर पे आपका आता है ऑर्डर, पांचवें नंबर पे आता है आपका फैमिली, फिर आता है आपका जीनस, फिर आता है आपका स्पीशीज. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीशीज, जो है सबसे छोटी फॉर्म है या सबसे छोटी यूनिट है क्लासिफिकेशन की. तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था. अगले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनरा से.